हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल ऑफ के टिकरासी। आ जाइए फटाफट, आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है हमने टॉपिक। देखो आज का बीएचयू 2021 एमएससी केमिस्ट्री का एग्जाम था। एमएससी केमिस्ट्री का एग्जाम था तो कैसा था एग्जाम, क्या पिछले साल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन में चेंजेस आए, सारे के सारे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या एनालिटिकल थी, क्या ऑर्गेनिक थी, क्या इनऑर्गेनिक थी, कैसा था पेपर अभी तक कोई नहीं जानता। यूट्यूब पर पहली बार आ रहा है 2021 का पेपर, बीएचयू का पेपर रिव्यू। आ जाइए फटाफट बीएचयू का पेपर रिव्यू, और आप भी बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा गया आपका पेपर, क्या आपको डिफिकल्ट लगा पहले से, क्या प्रीवियस ईयर मैच कर रहे थे, क्या बीएचयू में कुछ पैटर्न चेंज हुआ, क्या क्वेश्चन का लेवल अलग हुआ, क्या क्वेश्चन जो पहले आते थे वो आए थे, तो सारा डिस्कस करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखना, मैं भी अपनी बात बताता हूँ कि कैसा था पेपर आज का। चलिए जानते हैं। देखो सबसे पहले बात करूं, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री से सोलिड का टॉपिक उठाऊं, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री से सोलिड का टॉपिक उठाऊं, तो यहाँ से क्वेश्चन एक डिफेक्ट से आया हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ पर डिफेक्ट से आया हुआ था, डिफेक्ट से आया हुआ था, बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ डिफेक्ट से आया हुआ था। देखो एग्जैक्टली तो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का डिफेक्ट से आया हुआ था, जिसमें चार स्टेटमेंट दे रखी थी, पक्का जिसमें चार स्टेटमेंट दे रखी थी, और क्या एक गलत स्टेटमेंट थी, एक उसमें क्या फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी, रॉन्ग आंसर। तो टोटली मेमोरी बेस्ड था, पक्का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। तो और सॉलिड से एक और क्वेश्चन आया था, एक और सॉलिड से क्वेश्चन आया हुआ था ब्रैग्स लॉ के ऊपर, जिसमें हम क्या इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालते हैं। वहां पर आपको ए बी सी दे रखा था, मिलर इंडिसेस दे रखी थी, और आपको क्या डी निकालना था, शायद से वो ऑर्थोरोम्बिक के लिए निकालना था, आपको सॉलिड से। जहां तक मुझे याद है ये दो ही क्वेश्चन थे, और जब पेपर आएगा तब तो हम डिस्कस कर लेंगे, जो मैं याद है मुझे वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं क्वांटम की बात करूं, तो क्वांटम से एक एक्स इंटू पी एक्स कोम्यूटेटर पे क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, बस एक यही एक क्वेश्चन था इकलौता क्वांटम से, मुझे जहां तक याद है क्वांटम से यही क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ याद है और भी याद है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पक्का बताना। एक्स इंटू पी एक्स का कोम्यूटेटर ऑपरेटर बताना था। तो ये होगी क्वांटम की कहानियां, आगे डिस्कस करते हैं। थर्मो से अगर मैं बात करूं, तो एक तो क्या था वहां से था, ओपन सिस्टम से क्वेश्चन था, केमिकल पोटेंशियल के ऊपर, प्रेशर के साथ चेंज बताना था, प्रेशर के साथ चेंज, ये क्वेश्चन आया था, भाई थर्मोडाइनेमिक्स से, क्वेश्चन आया था एक ये, एक यहाँ से क्वेश्चन, एक और एंड एक और क्वेश्चन यहाँ से, आई थिंक सो कोई रिलेशन मैक्सवेल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी मैक्सवेल, कोई क्वेश्चन नहीं आया मैक्सवेल से। एंट्रोपी से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, कोई लेना देना नहीं था एंट्रोपी से, कोई लॉ से नहीं क्वेश्चन पूछा गया, जो कि पिछले साल में पूछा गया था, लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से, ये भी पूछा गया था, ये तो रिपीटेड था, ये तो भाई मैं साथ के साथ ये भी बताते चल रहा हूँ कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन आया था, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन था, जो कि थर्मोडाइनेमिक्स में आया था। अगर मैं स्टैटिकल की बात करूं, हमें क्वेश्चन थोड़े ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर भी क्या दो क्वेश्चन मुझे याद है देखने को मिले थे। एक तो क्या बताना था, नॉन डिजनरेट, अगर उन इसको कहीं पे कंडीशन कर सकते हैं, वो स्टैट का भी पार्ट हो सकता है या फिर कोऑर्डिनेशन का भी पार्ट कर सकते हैं। नॉन डिजनरेट स्टेट बतानी थी, नॉन डिजनरेट इलेक्ट्रॉन दे रखे थे उनके, नॉन डिजनरेट स्टेट बतानी थी एक थी। और क्या आया था, ए इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन ऑफ क्यू वाले फॉर्मूले से आया था, डायरेक्ट फॉर्मूला था ये पार्टीशन, जो हम क्या हेल्महोल्ट्ज़ की एनर्जी निकालते हैं ना, हेल्महोल्ट्ज़ का फॉर्मूला स्टैटिकल में, उसके ऊपर बेस था। तो दो क्वेश्चन जो स्टैटिकल के थे वो यही थे। आगे की अगर मैं बात करूं क्वांटम से, क्वांटम हमने डिस्कस कर ली है। काइनेटिक से, एक क्वेश्चन था, हाँ के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन में आर टी, एरिनियस इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन का लेवल बहुत था, लेवल कैसे बात करोगे, कैलकुलेशन पार्ट सबसे ज्यादा, कैलकुलेशन पार्ट, चलो ये भी कैलकुलेशन हो जाती है, पर कैलकुलेटर ही अलाउड नहीं था,
अरे कैलकुलेटर ही अलाउड नहीं था, कैलकुलेटर होता ही नहीं BHU के एग्जाम में। अगर कैलकुलेटर होता नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इतने इतने मुश्किल क्वेश्चन देने चाहिए कि वहां पर आंसर निकालने में डिफिकल्टी आए। आंसर निकालने में डेफिनेटली डिफिकल्टी आए, जिन्होंने भी सोल्व करे होंगे या तो उन्हें कैलकुलेशन लेंथ ही लगी होगी, जबरदस्त आप भी बताना, या तो उनको कैलकुलेशन लेंथ ही लगी होगी या फिर क्या कैलकुलेशन थी ही डिफिकल्ट, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना सोल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अगर मैं काइनेटिक की बात करूं, कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं आया, कुछ ऑर्डर पे क्वेश्चन नहीं आए। ऑर्डर की मैं बात करूं, ऑर्डर पे पिछली बार उस पे क्वेश्चन आते थे, आपको याद होगा कि ऑर्डर से पूछ के यूनिट पूछ लेता था प्रीवियस ईयर में, वो कुछ नहीं पूछा गया आपकी बार। काइनेटिक का न्यूमेरिकल आया था, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा था, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मेन। मैं एक जबरदस्त बात बता रहा हूँ यहीं पे बीच में, एक रोक के जबरदस्त बात बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान से सुनना इस बात को। अब की बार क्या एसर्शन वाले क्वेश्चन आए हुए थे, एसर्शन वाले क्वेश्चन आए हुए थे BHU के इतिहास में। BHU के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एसर्शन वाले क्वेश्चन आए हो, या फिर क्या बोथ स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू करेक्ट है या नहीं। ये क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन ये होंगे और 10 ही क्वेश्चन ये होंगे, 20 क्वेश्चन तो जिसका कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन का पैटर्न। सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ, सबसे बड़ा जो स्टूडेंट को देखने को मिला वो यही मिला यार कि ऐसे क्वेश्चन आ गए। इसमें यार काफी ज्यादा डाउट रहते हैं इसमें, कि जो स्टेटमेंट बोली गई है उसका आंसर ये सही होगा। एसर्शन टाइप क्वेश्चन यही होते हैं कि स्टेटमेंट दे दी जाती है, नीचे उसका ये रीजन दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है पहले तो स्टेटमेंट सही है या नहीं, उसके बाद रीजन पूछा जाता है कि रीजन सही है नहीं, तो थोड़ी डिफिकल्टी वहाँ डाउट होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे BHU में सीधे सीधे नहीं थे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। 20 क्वेश्चन ये ऐसे वाले पूछे गए थे, क्योंकि मैंने 2007 से 2020 के पेपर में देख चुका था। 2007 से 2020 के पेपर मेरे पास अभी भी अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैंने सारे के सारे सोल्व कर रखे हैं, किसी को चाहिए हो तो बता देना। लेकिन 2021 में तो पैटर्न ही चेंज हो गया भैया, एसर्शन वाले क्वेश्चन 2007 से 2020 तक लास्ट के 13-14 सालों में ऐसे क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले थे। लेकिन अब क्या करें, BHU तो BHU है, फिर डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अगली बात करें ग्रुप थ्योरी पे, एक ही क्वेश्चन दिखने को चमकने को मिला था। अगर मैं 2019 की बात करूं तो वहां पर 3 क्वेश्चन, 2018 की बात करूं तो 3 क्वेश्चन BHU में ग्रुप थ्योरी से आए गए थे। 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं था और 2021 में एक क्वेश्चन आया है भाई, एक क्वेश्चन आया है। वो भी क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था पॉइंट ग्रुप पूछा गया था किसका, होमो डायटोमिक मोलिक्यूल का क्या पूछा गया था, पॉइंट ग्रुप पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था। इसमें पूछा गया था यूटेक्टिक पॉइंट पे कितने फेज होते हैं, फेज पे पूछा गया था, 3 फेज आने थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फेज इक्विलिब्रियम की बात करूं, अगर मैं फेज इक्विलिब्रियम की बात करूं, रिपीटेड क्वेश्चन था भाई, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन था बिल्कुल। अगर मैं इलेक्ट्रो की बात करूं, इसमें क्वेश्चन आया था कॉन्स्टेंट निकालना था, कॉन्स्टेंट जहां तक मुझे क्वेश्चन नहीं याद है कॉन्स्टेंट निकालना था। दूसरा इस पे क्वेश्चन आया था पोटेंशियल दे रखे थे उसका रिडक्शन होगा या फिर इसका रिडक्शन, उसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी इसकी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी कि कौन सा सही होगा। तो मैं बता रहा हूँ तो मिड लेवल मीडियम था, मीडियम से हाई के बीच में था, इजी लेवल नहीं कह सकते BHU का, मीडियम से हाई के बीच में था। तो यही होगा कि कट ऑफ जरा कम चली जाएंगी, कट ऑफ लो जाने के चांसेस है, फिर यही होगा। इक्विलिबियम की बात करूं, क्या क्या इक्विलिबियम से कोई क्वेश्चन आया था, अगर मैं बात करूं कोई क्वेश्चन, अल्फा निकालते थे, सी अल्फा, प्रेशर के फॉर्मूले, कोई भी क्वेश्चन इक्विलिबियम से नहीं था, चाहे वो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात करूं, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कुछ भी इक्विलिब्रियम आयनिक आयनिक और केमिकल को नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था इससे। तो अगली की बात करूं, ऑर्गेनिक की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो नेम रिएक्शन से, बड़ा सवाल, नेम रिएक्शन से, ओजोनोलाइसिस से आए थे, ओजोनोलाइसिस से आया था क्वेश्चन पक्का जबरदस्त, ओजोनोलाइसिस से आया था। H2O2 एक क्वेश्चन ये आया था, H2O2 ACOS डाल रखा था, ये रिएजेंट डाल रखा था, एक ये क्वेश्चन आया था। जो नॉर्मल क्वेश्चन हमें फेवरिस की वगैरह ये वगैरह एल्डोल वगैरह ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे जनाब, ये क्वेश्चन जबरदस्त नहीं मिले थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं था ऐसा।
सीधा सीधा के सीधा क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, ये दो क्वेश्चन तो पक्का डेफिनेटली आए हुए थे। जीओसी से बात करें, बेसीसीटी के ऊपर क्वेश्चन थे, बेसीसीटी के ऊपर दो क्वेश्चन थे, बेसीसीटी के ऊपर दो ऑर्डर ऑफ बेसीसीटी पूछा था, दो क्वेश्चन थे भाई उसके ऊपर, दो क्वेश्चन थे बिल्कुल। एक एसीडीटी के ऊपर भी था, एक एसीडीटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक एसीडीटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर मैं जीओसी की बात करूं तो यहाँ पर एक एच बॉन्डिंग पे भी पूछा गया था, एच बॉन्डिंग पे भी पूछा गया था। एच बॉन्डिंग के बेस पे क्या उसका यूं लगा लो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया था, बॉइलिंग ने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट में से एक पूछा गया था, बॉइलिंग पॉइंट का शायद था, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दे रखे थे और वो बताना था। स्टीरियो केमिस्ट्री से सवाल था, स्टीरियो केमिस्ट्री से सवाल था, एक तो कन्फर्मेशनल का सवाल था, कन्फर्मेशनल का सवाल था, थीरियो बताना था, थीरियो वहां पे कुछ दे रखा था उसके थीरियो फॉर्म बना के बताना था कि थीरियो नहीं होगे जो नॉट थीरियो है, ये क्वेश्चन आया था। और क्या आया था जनाब, और आया था स्टीरियो केमिस्ट्री से एक और क्वेश्चन भी था, आइसोमर्स के ऊपर आया था, आइसोमर्स के ऊपर आया था, नेप्थलीन में डाई सब्स्टिट्यूट करा जाता है, मुझे याद भी है, नेप्थलीन में दो एक्स मॉलिक्यूल को अगर डाई सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री से ये सवाल आए थे। और एक सवाल और था स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर पूछी गई थी, कन्फर्मेशनल के ऊपर था, वो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड था, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड सवाल था ये, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड सवाल था। आगे बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, यस रिएक्शन मैकेनिज्म पे अगर मैं बात कर दूं, इवन इवन एलिमिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, इवन एलिमिनेशन पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इवन एलिमिनेशन पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था। रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करूं, कार्बिन नाइट्रिन जो कि भर भर के पिछले साल आया था, मतलब पागल ही कर देता था, ऑर्गेनिक सिर्फ बेस ही इन पे चलती थी कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट पूछेगा बीएचयू, लेकिन इस बार सारा का सारा खेला बर्बाद हो गया था, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ के गए थे कोई भी सवाल नाइट्रीन के, कार्बिन के, वुल्फ कुछ भी नहीं पूछा आपकी बार, ना ही कोई कार्बोकेटायन से क्वेश्चन इतना आया रिएक्शन बेस्ड, ना ही यहाँ पर बेंजाइन बेंजीन जो भी पढ़ के गए थे वहां से खाली कुछ नहीं आया आपकी बार, कुछ भी नहीं था रिएक्टिव इंटरमीडिएट से सीधा। अगर मैं रिएजेंट की बात करूं, दो दो क्वेश्चन थे रिएजेंट बेस्ड, दो क्वेश्चन थे भाई रिएजेंट बेस्ड, लेकिन इतना ऑर्गेनिक का नहीं था कि रिएजेंट पूछा जाए, क्लीमेंजन कुछ नहीं पूछा गया, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था ही नहीं। हेट्रो में आया था इंडोल का, इंडोल की सिंथेसिस से आया था, इंडोल की सिंथेसिस वो था नहीं एक, इंडोल की सिंथेसिस से क्वेश्चन आया था, इंडोल की सिंथेसिस से क्वेश्चन आया था भाई, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इंडोल की सिंथेसिस से आया था। एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट दी हुई थी, स्टेटमेंट दी हुई थी भैया नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर करवा देते हैं H2SO4 के साथ, एक स्टेटमेंट थी इसके साथ, एक और भी क्वेश्चन था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जो हेट्रो से पूछा गया था वो यही था। अगर मैं नेचुरल प्रोडक्ट की बात करूँ, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई टर्पिन नहीं, कोई टर्पिन नहीं, कोई कैम्फर नहीं, कोई टर्पिन नहीं, कोई कैम्फर नहीं, कोई कुछ नहीं पूछा गया यहाँ पे। बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं, कुछ भी खास देखने को मिला, दुनिया बायोमोलिक्यूल्स पे डिपेंड रहती थी, बीएचयू सुक्रोज इतने सब कुछ क्वेश्चन पूछता था, लेकिन रफ डिग्रेडेशन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा पूछा गया, कुछ भी नहीं ऐसा पूछा गया बायोमोलिक्यूल्स से। अगर मैं अगली बात करूँ पेपर यू केमिकल बॉन्डिंग, ये तो आती ही है पेपर में, ये तो पेपर में आती ही है, इसके बेस पे आया था ना है शेप फाइंड आउट करनी थी, शेप ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी थी, ये क्वेश्चन आया था इसके बेस पे, जबरदस्त था वो क्वेश्चन, आया था भाई केमिकल बॉन्डिंग से, मेन ग्रुप वो हो। अब की बार इसने बहुत ज्यादा आय हाय कैसे बोलूं, AlH3 AlCl3 AlH2O के होल 6 3 पॉजिटिव पे क्वेश्चन, COCl2 पे क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से भी, मेन ग्रुप जितने आने की उम्मीद नहीं होती उससे ज्यादा मेन ग्रुप आया हुआ था, तो मेन ग्रुप एक बड़ा झटका, बड़ा इंपॉर्टेंट सा झटका लगा, मेन ग्रुप ज्यादा पूछा गया और कुछ ऐसा पूछा गया कि कंफ्यूजिंग था वो काफी। कोऑर्डिनेशन जो आता ही है, जेटीडी पे सवाल आया था, जेटीडी पे सवाल आया था, कौन सा जेटीडी नहीं होगा ये सवाल आया था, स्टीरियो आइसोमर से सवाल आए थे इसके, आइसोमर से सवाल आए थे, आइसोमर से सवाल आया था, एनर्जी से सवाल आया था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी से सवाल आया था, आए थे बिल्कुल आए थे। नेमिंग नहीं आई,
नेमिंग नहीं आई, नेमिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था कोऑर्डिनेशन से। ओएमसी की तो बात ही मत करो, कुछ नहीं पूछा गया ओएमसी में, कुछ भी नहीं पूछा गया ओएमसी में। बायो इनऑर्गेनिक कुछ नहीं पूछी गई, कुछ भी नहीं पूछा गया बायो इनऑर्गेनिक से। अगर मैं स्पेक्ट्रो की बात करूं, स्पेक्ट्रो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो में एक रिपीटेड क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक रिपीटेड क्वेश्चन था, जबरदस्त था रिपीटेड क्वेश्चन। वो पहले 2020 रिपीटेड भी 2020 के क्वेश्चन हुए, बस रिपीटेड जो क्वेश्चन हुए हैं वो बस 2020 के हुए हैं। वो भी 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, 10 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बोर्ड बनाते थे उनपे कुछ सवाल नहीं थे, कोई भी सवाल नहीं था। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल था जो 2020 में आईआर के बेस में पूछा गया था, आईआर के बेस पे पूछा गया था भाई, ये सवाल था। अगर मैं बात करूं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी कुछ ज्यादा नहीं मिला, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। जे की वैल्यू पूछ ली जाती थी कि क्या होगी, क्या होगी मतलब जो वो नहीं होती कंडीशंस, कंडीशंस वाइब्रेशन की क्या कंडीशन होती है, या इनकी एनर्जी वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं आया। स्टैटिकल में एक भी उसका क्यू से क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन आया था क्यू फाइंड आउट करना था, वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल डिफिकल्ट था, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल था वो तो। ओएमसी खाली कुछ नहीं था, ओएमसी देगी एनालिटिकल ये तो आती है, पर पहले मैं बात बता दूं आपको, जो पहले एनालिटिकल 2007 से 2020 में थी, डिट्टो रिपीट होती थी, डिट तो रिपीट होती थी। पर अब की बार यूं लगा लो 5 ही क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, उसमें भी थ्री, एक वो क्वेश्चन था 3 × स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला परसेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले से क्वेश्चन था। उसके बाद ओहो क्रोमेटोग्राफी तो कैसे, जिसने क्रोमेटोग्राफी डिटेल काफी ज्यादा हाई डिटेल में पढ़ी है ना, वो ही कर पाया क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चन भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे कि क्रोमेटोग्राफी कैसे इंक्रीज होगी। विड्थ पे क्वेश्चन था कि अगर स्पीड तेज हो जाती है, अगर फ्लो की स्पीड तेज हो जाती है तो विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी से काफी पूछे गए थे। टीएलसी पे पूछा गया था, थियोरेटिकल प्लेट पे पूछा गया था, इसका सीधा फॉर्मूला नहीं पूछा जो हर बार रिपीट होता है, घुमा। मैं बोल रहा हूँ ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे यार, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, जबरदस्त कंफ्यूजन हो रही थी। स्टैंडर्ड डेविएशन से फेरोइन का फॉर्मूला पूछा था, कार्ल फिशर का फॉर्मूला पूछा था, कार्ल फिशर में आयोडीन की वैल्यू कितनी होती है, कितना ग्राम आयोडीन लेते हैं भैया ये, अब क्वेश्चन कार्ल फिशर में कितनी आयोडीन की वैल्यू लेते हैं ये पूछा गया था, बताओ। अगर मैं बात करूं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या पूछा गया भैया, और क्या पूछा गया था, हाँ एक्यूरेसी पे क्वेश्चन आए थे जबरदस्त, वो मैं आगे बात करूंगा, वो मैं आगे यही कर लेता हूँ। एक्यूरेसी पे क्वेश्चन आए थे, मैं अगली स्क्रीन पर ले जाता हूँ आपके। आइसोटोपिक मेथड जबरदस्त, आइसोटोपिक मेथड के न्यूमेरिकल थे, आइसोटोपिक मेथड के न्यूमेरिकल थे भैया, आइसोटोपिक न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकल थे, स्टैंडर्ड डेविएशन के न्यूमेरिकल थे, स्टैंडर्ड डेविएशन के न्यूमेरिकल थे। और कहाँ के न्यूमेरिकल पूछे गए थे, और कहाँ के, वाटर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट पे न्यूमेरिकल पूछा गया था। और बात करूं मैं, एरर का न्यूमेरिकल पूछा गया था रिलेटिव एरर से, रिपीटेड क्वेश्चन था, रिलेटिव एरर से न्यूमेरिकल पूछा गया था। एनालिटिकल से थे न्यूमेरिकल, एनालिटिकल से भी काफी ज्यादा न्यूमेरिकल थे, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल थे एनालिटिकल केमिस्ट्री से, जबरदस्त था एनालिटिकल केमिस्ट्री पे। अब की बार इतना आसान नहीं था, इजी नहीं था मामला, बिल्कुल भी इजी नहीं था। अगर आप बात करो बीएचयू का, इजी पेपर था, बिल्कुल इजी नहीं था, बिल्कुल इजी नहीं था। कुछ ना कुछ डिफिकल्टी कहेंगे जो भी बच्चे देखे आए, कुछ ना कुछ या तो वो बोल रहे होंगे लेंथी था, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा थे, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल नहीं थे। मैं अब लास्ट में बताऊंगा कैसा था, कैसा था लास्ट में मैं बता दूंगा 5 पॉइंटों में। अगली बात करता हूँ 11 12, ओहो मतलब प्रीसीजन के न्यूमेरिकल भाई, प्रीसीजन 4 वैल्यू, ए बी सी डी ई, सी का प्रिसाइज वैल्यू निकाल दो भाई, सी की प्रिसीजन वैल्यू निकाल दी भैया। 11th क्लास के क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो भी फिजिक्स का पार्ट था, तो ये फिजिक्स का पार्ट है यार, फिजिक्स का पार्ट है ये, कैसे प्रीसीजन पे क्वेश्चन दिया था बताओ। काफी ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिले थे यहाँ पे भी, प्रिसाइज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे प्रीसीजन पे जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए थे यार, 2 4 3 क्वेश्चन तो यहीं से बने हुए थे।
तीन क्वेश्चन यहीं से बने हुए थे। बताओ, ये था जो पेपर था 11th 12th की, जो काफी ज्यादा चीजें पूछी गई थी। अगर मैं ओवरऑल ओवरऑल समरी अगर मैं बता दूं, पेपर की समरी अगर मैं बता दूं कि कहाँ ले डूबी, कहाँ ले डूबी, सबसे पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन का क्वेश्चन जो आते थे वो क्वेश्चन ही चेंज हो गए। कैसे? एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन आए। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड आ गए। वहीं हिल गए, हमने सोचा एक दो क्वेश्चन, 20 20 क्वेश्चन यहीं से पूछ डाले। बताओ, 20 क्वेश्चन यहीं से पूछ डाले। इसके बाद अपने आप ही कंफ्यूजिंग, टाइम कंज्यूमिंग, जबरदस्त टाइम कंज्यूमिंग है ये, एकदम टाइम कंज्यूमिंग है ये, कंफ्यूजिंग है ये, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था ये वाला, बहुत ज्यादा सेशन कंफ्यूजिंग था ये वाला। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं बात करूं, डिफिकल्ट लेवल डेफिनेटली जबरदस्त डिफिकल्ट था, बहुत जबरदस्त डिफिकल्ट था। एनालिटिकल पेल रखी थी, एनालिटिकल बहुत जबरदस्त दे रखी थी, एनालिटिकल बहुत जबरदस्त है। 11th का उठा के दे रखा था, वो भी क्या, चैप्टर 1, चैप्टर 1 से, जो कि क्या आधा फिजिक्स में आता है, आधा फिजिक्स में आता है, ये उठा के दे रखा था। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, अगर मैं फोर्थ की बात करूं, ये तो डेफिनेटली है, लेंथी पेपर था, जबरदस्त लेंथी पेपर था, कंफ्यूजिंग पेपर था, कंफ्यूजिंग पेपर था। ये चारों ने घेर लिया था, ये चारों ने घेर लिया था। ये बना किसकी वजह से? इसकी वजह से, इसकी वजह से। और किसकी वजह से बना? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पार्ट सो लेंथी, न्यूमेरिकल पार्ट इतना लेंथी था, न्यूमेरिकल ने खा डाला भाई। न्यूमेरिकल जो भी बच्चे देखे आएंगे, न्यूमेरिकल लेंथी, लेंथी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा, मतलब सोल्व भी नहीं हो रहा था। सोल्व करना मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, 5 से 10 मिनट ले जाते अगर ढंग से सोल्व करते तो उसको। तो चाहे डिफिकल्ट आया हो, पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे पेपर डिफिकल्ट आया हो, उसी हिसाब से कट ऑफ बनेगी। ये जबरदस्त बात, अपने दिमाग में टेंशन नहीं लेनी, टेंशन तो लेनी ही नहीं, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट आया, तैयारी तो सबने बराबर करी थी, तैयारी सबने बराबर करी थी, या तो क्या डिफिकल्ट आया है तो कटो भी डाउन जाएगी, कटो भी डाउन जाएगी। अगर डिफिकल्ट पेपर आया है तो टेंशन मत लीजिए, बेफिकर हो जाइए, अगर टेंशन ली तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि अगर डिफिकल्ट आया है तो सबके लिए डिफिकल्ट था, और इसके कारण कटो डाउन जाएगी, डाउन जाएंगे। अगर आपने सही करा है जितना आपको आता था, तो आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं, डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। तो ये था आज का BHU का पूरा रिव्यू। आपको ऐसे ही जब पेपर आएगा क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे जितने याद थे मैंने आपको सारे अलग अलग क्वेश्चन किसके बेस पे क्या टॉपिक उठाएगा सब बता दिया है। तो आपको जरा सा भी कंटेंट पसंद आया, पक्का लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना, फिर से मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत जरूरी है, KT क्लासेस पे सब्सक्राइब करना। जो मैं जैम के सेशन ला रहा हूँ, एक बड़ी अनाउंसमेंट करके जा रहा हूं मैं, एक बड़ी अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ, बड़ी अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ 2022 वालों, अरे जैम वालों, जैम वालों, प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ। कहाँ से चाहिए बोलो? 2005 से 2021 के प्रीवियस ईयर, 2005 से 2021 के प्रीवियस ईयर, यही KT क्लासेस पर, यही KT क्लासेस पर करवाऊंगा। कहाँ पर? KT क्लासेस पर करवाऊंगा भैया। बस आपको क्या करना है, चैनल को वर्ल तो बोल तो दो। अब तो करोगे, अब तो यार बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है पक्का, चैनल को लाइक करना है, और चैनल को क्या, शेयर करना है। फैला दो, आ रहे हैं KT क्लासेस, फैला दो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।